सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू कोर्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का नया कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। इसकी वीडियो मैंने एक दो हफ्ता पहले ये जो है रिलीज़ कर दी थी कि एक नया कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी लेट में हो चुका हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट हमारा कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है। क्वांटम मैकेनिक्स का ये कोर्स है। डिटेल में पूरी क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे एकदम कोचिंग लेवल की। सो एकदम बेसिक से हम उठाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स को, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे पूरे एडवांस तक। आपका आईआईटी जैम हो, जेस्ट हो, टीएफआर हो, किसी भी एग्जाम में आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स आती है अंडर ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है, यूजी लेवल की जो क्वांटम मैकेनिक्स है पूरी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पर हम बेसिक से शुरू करेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो है स्टार्ट होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर आप आगे के और लेक्चर्स देखना चाह रहे हो सो सबसे पहले इस लेक्चर को आपने देखना चाहिए क्योंकि ये हमें बताएगा कि कैसे आप इंट्रोड्यूस होते हो क्वांटम मैकेनिक्स से। ये लेक्चर आपको इंट्रोड्यूस कराएगा क्वांटम मैकेनिक्स से, और हमें ये मैं यहाँ पर ये बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्वांटम मैकेनिक्स में चीज़ें आगे बढ़ी और क्या हमें क्यों ज़रूरत है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की, और अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू डोंट नो मी देन दिस इज गौरव पांडे एंड आई एम एन एजुकेटर फॉर आईआईटी जैम फिजिक्स। एंड अभी मैं फिलहाल यूट्यूब पर अपने कोर्सेज जो है लॉन्च कर चुका हूँ। सो स्टार्ट हो गया है, ये फर्स्ट कोर्स है मेरा एंड आई एम 2 times जैम क्वालिफाइड एंड नाउ आई एम टीचिंग फॉर आईआईटी जैम एंड जस्ट TIFR एज वेल। सो मेरे और भी लेक्चर्स आप देख सकते हो, मेरे स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन वीडियोज आप देख सकते हो इस यूट्यूब चैनल पर। ऊपर आई बटन पे जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, और नीचे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रो, ठीक है, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो है अपनी स्टार्ट होती है। पूरे लास्ट तक बने रहना यार, ठीक है, इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव लेक्चर्स मैं मे बी बाद में और भी लाऊं, ठीक है, ये लाइव नहीं है, दिस इज़ द रिकॉर्डेड वन। सो मे बी इन फ्यूचर मैं जो है लाइव लेक्चर्स भी करूँ यहाँ पर, जो मैं पहले किया करता था, ठीक है। सो इंट्रो है, इंट्रो के बाद हम समझेंगे क्रोनोलॉजी, किसकी क्रोनोलॉजी की, किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स हमारी आगे बढ़ी, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, कैसे कौन कौन सी थ्योरीज आई, उन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास, ठीक है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में। जी हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बात करेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में, अब शुरू करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, क्या हमें क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सो अगर मैं बात करूँ आपसे इंट्रो की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको 2 types जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं सबसे पहले बेसिकली, ठीक है। होता क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में आपको समझा देता हूँ। ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स इज मेड अप ऑफ द वर्ड क्वांटा, क्वांटा मीन्स फोटोन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये भी करूँगा मैं बात। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। 2 चीज़ें क्या पढ़ते हैं हम, पहली चीज़ पढ़ते हैं कि अ वेव हैज़ अ पार्टिकल नेचर, ठीक है, वेव हैज़ अ पार्टिकल नेचर। फॉर एग्जाम्पल वही जो मैंने फोटोन वाली बात की, ठीक है, बता दूँ आपको, अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं। सेकेंड चीज़ जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर, ठीक है, दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक में आपका हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला लगता है, एक में आइंस्टाइन का फॉर्मूला लगता है, दो अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूँ, पहली चीज़ वेव हैज़ अ पार्टिकल नेचर। अब इसका मतलब क्या है वेव, मतलब अब हम अगर पुराने टाइम की बात करें, सो लाइट की मैं बात करता हूँ, लाइट की मैं बात करूँ, सो लाइट इज़ अ वेव, ठीक है, लाइट इज़ अ वेव। अब लाइट एक वेव है, तो हमने बाद में क्या पढ़ा कि लाइट क्या होता है, एक फोटोन होता है, हमने ये चीज़ तो पढ़ी बाद में, यस और नो, हमने पहले ये पढ़ा कि लाइट इज़ अ वेव, देन हमने पढ़ा कि लाइट इज़ अ पार्टिकल, पार्टिकल बोले तो फोटोन, पहले से फोटोन नहीं बोलते थे, फोटोन बाद में बोला, बट पहले क्या बोलते थे वो भी पढ़ेंगे अभी। तो लाइट इज़ अ फोटोन, ठीक है, सो यानी जो एक वेव थी हमारे पास, उस वेव के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, बोले तो पार्टिकल, फोटोन बोले तो पार्टिकल। सो किसी वेव के पास एक पार्टिकल नेचर होता है, ये हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। एंड मोस्टली जो क्वांटम मैकेनिक्स है, बहुत सारा इसके अंदर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस पर बेस्ड है। दूसरी जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, वो है पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर। अब कैसे, अगर आपने पढ़ा हो, ये हम जो वेव फंक्शन पढ़ते हैं, जो हम बाकी और चीज़ें निकालते हैं, ठीक है, हम ये पोटेंशियल वेल्स पढ़ते हैं,
मतलब अब जो हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स में आती हैं वो ये है, पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर, वेव हैज़ अ पार्टिकल, नेचर हैज़ अ डिफरेंट थिंग, पार्टिकल हैज़ अ वेव, नेचर हैज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स को देखने के। अब इसमें हम पढ़ते हैं वेव फंक्शन, पोटेंशियल वेल, नाउ व्हाट इज़ अ वेव फंक्शन, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये हमारा इस चीज़ को डेडिकेटेड रहेगा, वेव हैज़ अ पार्टिकल नेचर, ठीक है, कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल के पास कैसा वेव नेचर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अब मैंने अभी आपको बोला था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, कैसे है थोड़ा सा मैं बता दूँ कि यंग्स डबल स्लिट में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एक सोर्स होता है, सोर्स एक सिंगल स्लिट से जाता है, वो फिर उसके बाद दो स्लिट से होकर जाता है, दो स्लिट से होकर जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न आता है, ये आपने पढ़ा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किससे होता है ये, सोर्स क्या है, दिस इज अ लाइट सोर्स, इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज अ लाइट सोर्स। दो बार पढ़ेंगे यहाँ पर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, दोनों में, पहले केस में भी सेकंड केस में। पहला केस यानी लाइट इज अ पार्टिकल नेचर, सेकंड केस पार्टिकल हैज अ वेव नेचर। सो दोनों में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रॉन, अभी जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है किससे किया जाता है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, अगर आपने पढ़ा हो और भी अच्छे से, सो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। बट बाद में क्या किया गया, इसको किया गया इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, कि चलो भाई देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन से भी होता है कि नहीं होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन से इसको किया था, सो इलेक्ट्रॉन से भी इस एक्सपेरिमेंट को करने पर हमें सक्सेसफुली जो है पैटर्न मिला था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न मिलता है हमें, ठीक है, वो पैटर्न मिला था। सो वहाँ से ये चीज़ प्रूफ हुई थी कि इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेव नेचर, एंड देन करस्पॉन्डिंगली हम बोल सकते हैं, यानी वहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हुए इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है ऐसी और भी पार्टिकल्स होते हैं, हम हैं, हमारे आसपास चीज़ें रखी हुई हैं, अगर हम मूव करें काफ़ी तेज, सो वी हैव अ वेव नेचर एज वेल, ठीक है, वी हैव अ वेव नेचर। हर एक मटेरियल अगर वो मूव करे तेज, सो उसके पास एक वेव नेचर आ जाएगा, यानी पार्टिकल चल रहा है, बट सिर्फ पार्टिकल नहीं चलेगा, उसके साथ एक वेव भी हम दिखा सकते हैं। यानी वेव का मतलब क्या है कि हम उसकी वेव लेंथ निकाल सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, ये सारे किसके, वेव की तो प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी वेव नेचर होने का मतलब है कि कोई पार्टिकल अगर मूव करे, सो वो वेव की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें भी शो करता है, हम वेव की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं फॉर दैट पार्टिकल, फॉर दैट मैटर, ठीक है। ये आपने, ठीक है, ड्यूअल नेचर में भी पढ़ा हुआ है, सो वो हम यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, शायद ये 12th क्लास में भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि वेव लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, किसी मास की नहीं होती है, कोई मास है कोई पार्टिकल है उसकी वेव लेंथ नहीं होती है, ठीक है, किसकी होती है, किसी वेव की वेव लेंथ होती है, नाम ही जिसका वेव लेंथ है भाई। बट क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, पार्टिकल की भी वेव लेंथ निकाल देते हैं। अब वेव लेंथ कैसे निकलेगी पार्टिकल की, वेवलेंथ की पार्टिकल, सॉरी, पार्टिकल की वेवलेंथ निकलने का मतलब है उसके पास वेव नेचर है, तभी तो उसकी वेवलेंथ निकली। वेवलेंथ निकलेगी, सो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, हम उसकी वेव फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, फ्रिक्वेंसी वेव्स की होती है, बट यहाँ पर हम पार्टिकल की निकाल रहे हैं, दैट मीन्स की पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर। सो ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए वी हैव टू एक्सपेरिमेंट्स एज वेल, पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड वन इज द कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सबसे पहले किसने इस बारे में थ्योरी दी, वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें थ्योरी आई थी, सबसे पहली जो थ्योरी थी वो दी थी न्यूटन ने, भाई साहब आप इधर भी आ गए, तो जी हाँ, न्यूटन ने यहाँ पर भी थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी, फोटोन नहीं बोलते हैं उसको, न्यूटॉन्स कॉर्पसल थ्योरी, ठीक है, डिटेल में देखना, ध्यान से देखना कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, न्यूटन्स कॉर्पसल थ्योरी, ठीक है। अब कॉर्पसल का मतलब क्या है, कि जो आज की डेट में हम फोटोन जिसको बोलते हैं उसी को उस जमाने में कॉर्पसल बोला जाता था, बस यही है, ठीक है। यानी आप इसको बोल सकते हो कॉर्पसल मॉडल ऑफ लाइट, ठीक है, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हो साथ में, एंड उसके अलावा मैं नोट्स भी दे दूंगा, ऊपर मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर लेना है, टेलीग्राम का मेरा लिंक है, टेलीग्राम पर मेरा एक ग्रुप है, वहाँ पर मैं ये सारे नोट्स जो है डाल दूंगा, ठीक है। बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ बट याद नहीं रह रहा है, मेरी एक्चुअली में तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बट अब मैं इसको, ठीक है, रेगुलरली नोट्स जो है मैं अपलोड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, कहीं पर भी, इन तीनों में से आप कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया पर, ठीक है। चलिए, सो कॉर्पसल मॉडल में न्यूटन ने ऐसा बोला था कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर होता है विद द हेल्प ऑफ इट्स क्लासिकल थ्योरी। न्यूटन की आपको पता है क्लासिकल थ्योरी होती है, तीन लॉज होते हैं, उसके बेसिस पर इसने लाइट के पार्टिकल नेचर को डिफाइन किया था। कैसे किया था,
इसने क्या किया था कि कुछ बेसिक, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपसे कि भाई कोई नहीं पूछेगा न्यूटन की कॉर्पस्कल थ्योरी में क्या था। चीज़ समझनी आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भाई हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम, समझने के लिए ना कि चीज़ें कैसे आई, कैसे हमारे पास जो चीज़ें आई, समझ लो। तो ये भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स शुरू कैसे हुई, क्यों ज़रूरी है क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसलिए ज़रूरी है। अब क्या लिखा मैंने, क्लासिकल थ्योरी। ओके, तो क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से कॉर्पसल जो है नेचर डिफाइन किया था लाइट का, कैसे किया था, चलिए कैसे किया था। चलो, पहला काम जो किया था उसने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है लाइट की वो डिफाइन कर दी थी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है लाइट के पास, ये एक पार्टिकल के पास भी होती है। इसका मतलब कि ये जो लाइट है वो एक पार्टिकल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो छोटा कर दूँ। चलिए इतने, ठीक है। ओके, मैं कुछ बोल रहा था, बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो न्यूटन ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ लाइट की डिफ़ाइन की थी, क्या क्या थी, चलिए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहली जो थी वो उसने बोला था रिफ्लेक्शन, बताया था, ठीक है। ये लाइट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, अगेन द सेकेंड आपको आइडिया लग ही गया होगा, रिफ्रैक्शन। उसके अलावा कलर, ठीक है, एंड उसके अलावा रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बस ये है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन और कुछ नहीं है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कलर एंड रेक्टिलिनियर मोशन, ये चार प्रॉपर्टीज़ न्यूटन ने डिफाइन कर दी थी। यहाँ से सबको समझ आ गया था कि जी हाँ ये पार्टिकल है, ठीक है, लाइट एक पार्टिकल है। यानी जो लाइट एक सोर्स है हमारे पास, लाइट का सोर्स है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लाइट खोलें तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, ना कि वेव्स, ठीक है। तो ये जो आगे को बढ़ रहे हैं ये हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सच क्या है वो इसी की खोज में हम निकले हैं आज, ठीक है। आज हम सच की खोज करेंगे। बहुत लोगों को ये बेसिक भी लग रहा होगा बट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि सब लोग एक लेवल पे आ सकें। जो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, सब एक लेवल पे आने जरूरी है ताकि आगे आप कंटिन्यू करें। आसानी रहे सबको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम एडवांस से पढ़ा दूँ, आधे के समझ ही नहीं आ रहा है, ये चल गया रहा है भाई, तो इसलिए बेसिक से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन को क्या बोला था न्यूटन ने कि कैसे लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है। भाई आपने अगर पार्टिकल पढ़ा हो, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी हो, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन पढ़ा हो आपने, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी आती है, जिस वेलोसिटी से आती है उसी वेलोसिटी से वापस चली जाती है। दिस इज द इलास्टिक कोलिजन, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो, सरफेस से टकराने के बाद कोई एम मास की बॉडी है। सो दिस मीन्स कि लाइट के पास भी कुछ मास होता है, लाइट के पास मास होता है तो वो एक पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है तो कहीं टकराएगा, टकराएगा तो वापस आएगा, वापस आएगा मतलब वही कोलिजन है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ों को कैसे देख पाते हैं हम, किसी चीज़ को हमने देखना है तो कैसे देखते हैं, उस पर लाइट पड़ती है, लाइट हमारे आंखों में आती है तो हमको चीज़ दिख जाती है, बस ये तो होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि लाइट इज़ ए पार्टिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, दीज आर दी वर्ड्स ऑफ न्यूटन। सो न्यूटन ने अपनी थ्योरी के साथ इसका मतलब जो ऐसे भिड़ा दिया था कुछ। सो पार्टिकल आया, पार्टिकल का इलास्टिक कोलिजन हुआ और वो वापस चला गया, कुछ इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन हो चुका है। लोगों ने बोला ठीक है भाई, तो बताओ रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ी सी अलग थ्योरी है। अब रिफ्लेक्शन होता कब है, जब हम दो अलग अलग मीडियम्स में जाएँ, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझे इसको, इस चीज़ को किस तरह से लोगों को बनाया गया था, मतलब लोगों को ये थ्योरी बनाई गई थी और लोगों को बताया गया था। ओके, चलिए, बहुत पुरानी थ्योरी है ये, मैं बात बता दूँ आपको, ये 17th सेंचुरी की बात है, ठीक है। हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी एंड बहुत ये जो गलत थ्योरीज होती हैं वही तो हमें आगे अच्छी चीज़ें बताती हैं, ठीक है। गलत नहीं है एक्चुअली, ये सही चीज़ है, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है इसमें, ठीक है, इधर उधर निकल जाते हैं। ये पार्टिकल आया हमारे पास, ये लाइट है, लाइट का मैं एक सिंगल पार्टिकल ले रहा हूँ जिसको न्यूटन ने क्या बोला था, कॉर्पसल बोला था, ठीक है। नाम कहाँ से आया इस पर हमें जाने की ज़रूरत है नहीं, कॉर्पसल इसको बोला था, ये कॉर्पसल है, ये नीचे आया। अब क्या होगा, देखो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यस और नो। भाई कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं उसके अपने, तो क्या होगा, न्यूटन ने ये बोला था कि जब ये पार्टिकल, ये जो कॉर्पसल है, ये अंदर जाएगा तो ये पार्टिकल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे, यस और नो, करेंगे ऑब्वियसली, किसी दूसरे मीडियम में कोई जा रहा तो उसको खींचा जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको खींचा जाएगा तो एक चीज़ पे आप ध्यान दो, यहाँ पर का मैं ले रहा हूँ इतना सा एरिया, आप देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूँ, ये एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, और ये किसके, ये जो अपनी नीचे डेंसर मीडियम है उसके ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वट एवर यू कैन से, ठीक है। ये है ऊपर से हमारा एक गया कॉर्पसल। अब ध्यान देना, ये कॉर्पसल जब अंदर जाएगा तो एट दिस पॉइंट इसको कौन खींचेगा नीचे को, ये पार्टिकल, ये इसको नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक है।
क्या यहाँ से भी इसको कोई खींच रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर खींच रहा होता तो ये सीधा सीधा चल रहा होता ऐसे भाई, कोई ऐसे चल रहा है उसको दोनों साइड से खींचोगे बट वो आगे को चला जा रहा है, तो क्या दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा है? क्या वो इधर उधर को जाएगा? बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी हो सकता है थोड़ी उसकी इधर उधर हो जाए। ओके तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। लेकिन सेम चीज़ अगर आप चल रहे हो, आपको एक ही साइड से खींचा जाए दूसरी साइड से ना खींचा जाए, तो ऑब्वियसली आप उस तरफ को ऐसे बेंड हो जाओगे। ठीक है, ऐसे कोई बॉडी जा रही है उसको भी यहाँ को खींचा तो ऐसे चले जाएगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर उतना ही फोर्स दूसरी साइड से भी लगाया तो ये सीधे चलती रहेगी। सेम चीज़ यहाँ पर हुई थी। एट दिस पॉइंट इस पार्टिकल ने इसको नीचे खींचा बट इसको इक्वल करने वाला कोई नहीं था, तो इसकी जो ये पाथ है ये बेंड हो गया थोड़ा सा। अब क्या होगा, जैसे ही अंदर पहुंच गया, अब इस पॉइंट पे इसको दोनों साइड से बराबर एटम्स खींच रहे हैं इधर उधर को, तो एक बार ये बेंड हो गया बस, उसके बाद ये सीधा चला जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। ओके सो अट्रैक्शन पहले एक ही साइड से हुआ, उसके बाद दोनों साइड से इक्वल अट्रैक्शन हुआ, तो इसका पाथ जो है वो सीधा रह गया। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन फॉर रिफ्रैक्शन। ऑलराइट सो एंड उसके बाद तीसरा है कलर। कलर के लिए सिंपल सा, आपने अबीर गुलाल होली वगैरह हो खेली होगी, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं। वही ऐसा ही कुछ न्यूटन ने भी बोला था कि जो पार्टिकल्स हैं सारे सब में अलग अलग कलर है, जब जिसकी कलर जरूरत होती है, जब जो दिखता है हमें वैसे कलर की लाइट दिखती है। साउंड्स गुड। ठीक है, इसके बाद वेव थ्योरी भी आई थी, वो क्या बोलते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन बहुत ही आसान है, पार्टिकल है भैया, पार्टिकल तो सीधा ही जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पार्टिकल सीधा जा रहा है, उसको आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो वो सीधा चलता रहेगा, ना अपना रेस्ट से मोशन में आएगा, ना मोशन से रेस्ट में आएगा, और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगने वाला हो। दिस इज हाउ न्यूटन एक्सप्लेन द कॉर्पस्कल थ्योरी और द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिनको उसने एक्सप्लेन किया, और लोगों ने बोला वाह मज़ा आ गए, अब तो हमारी वेव जो है, जो लाइट है वो एक पार्टिकल है, सबने मान लिया। लेकिन बाद में आई हाइजेंस की वेव थ्योरी। हाइजेंस वेव थ्योरी, देखो ये जो थ्योरीज है इनका अपने में ना जलवा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, जलवा रहा था इन द सेंस कि एक सेंचुरी में एक थ्योरी चली न्यूटन की थ्योरी, एक सेंचुरी में देन हाइजेंस की थ्योरी चली, बाद में फिर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी, डिस्कवरीज हुई, देन जलवा आपको पता है किसका है अब। ठीक है, अब इसको जो हम फोटोन बोलते हैं, अब हम ये बोलते हैं कि दोनों सेम है, बट उससे पहले हम जानते हैं कि हाइजेंस की वेव थ्योरी क्या है। ओके सो ये भी आपकी 17th सेंचुरी में ही आई थी। ध्यान देना, पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी मतलब कि लाइट इज़ ए पार्टिकल। अब हम पढ़ रहे हैं वेव थ्योरी, यानी वेव लाइट इज़ अ वेव। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 17th 18th सेंचुरी में ये डोमिनेंट रहा था, कौन? पार्टिकल मॉडल। अब भाई 17th सेंचुरी में तो वेव मॉडल भी आ गया था, ये इसको क्यों नहीं माना लोगों ने? हम बात करते हैं आगे। ठीक है, 19th सेंचुरी में ये डोमिनेंट रहा था, कौन? वेव थ्योरी। ठीक है, डिस्कवरी 17th सेंचुरी में थी, यस ऑब्वियसली, बट डोमिनेंट यानी लोगों ने बहुत ज़्यादा कब मानना शुरू किया इसको? 19th सेंचुरी के अंदर। क्यों? ड्यू टू सम एक्सपेरिमेंट्स। कौन से एक्सपेरिमेंट्स? बात करेंगे आगे। वन ऑफ देम वॉज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो वट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजन फॉर द वेव नेचर ऑफ लाइट? कि जो न्यूटन ने बोला था कि पार्टिकल ऐसा ऐसा होता है, ये क्या हो गया, पार्टिकल ऐसा ऐसा होता है तो उस वजह से लाइट इज ए पार्टिकल, तो ऐसा हाइजन ने क्या बोला था जिससे कि लोगों ने मान लिया चलो ठीक है भैया ये जो है पार्टिकल नहीं है, ये एक वेव ही है। ठीक है, तो क्या क्या बोला था उन्होंने, लेट्स सी। अब इन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहले जो पहला जो पॉइंट था रिफ्लेक्शन, क्या बोला था इन्होंने कि एवरी वेव शोज रिफ्लेक्शन। वाई? साउंड वेव आप ले लो, आप यहाँ से चिल्लाओगे आवाज़ टकरा के वापस आएगी। ठीक है, सो वेव्स शो रिफ्लेक्शन, दिस वॉज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। सो लाइट वॉज अ वेव, कुछ भी नहीं था, रिफ्रैक्शन, एवरी वेव शोज अ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से चिल्लाओगे आवाज़ टकरा के उधर को चली जाएगी, सो वेव्स शो रिफ्रैक्शन। ये चीज़ें देखो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थी, इसमें हमें ज़्यादा बहस करने की जरूरत है नहीं। जो मुद्दे थे मेन यहाँ पर वो थे, एक तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कि कैसे मीडियम में कैसी होती है। न्यूटन ने बोला था कि देखो पार्टिकल खींच रहे हैं डेंसर मीडियम में, इसलिए जो वेलोसिटी है डेंसर मीडियम की दैट विल बी ग्रेटर देन दी वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। हाइजन ने क्या बोला, हाइजन ने बोला कि जो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी होती है दैट इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है आपको अच्छे से पता है, ये चीज़ जो है सही है। ठीक है, और इसीलिए ये डोमिनेट हो गई थी ये थ्योरी, इसीलिए पार्टिकल नेचर को लोगों ने नहीं माना। ठीक है, बाद में
क्योंकि अभी तक हमें वेलोसिटी पता नहीं थी, किस बेसिस पे बोला दोनों ने वी डोंट नो, बट बाद में जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हमने वेलोसिटी नापी तो हमें ये पता चला कि यस हाइजन आप सही थे, न्यूटन आप गलत हो गए यहाँ पर, ठीक है इस चीज़ को वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे न्यूटन की थ्योरी को, ठीक है क्यों, क्योंकि गलत होगी ना, आगे की मैं बात कर रहा हूँ जब वेलोसिटी आई। सो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने, कलर्स के लिए क्या बोला था, कलर्स के लिए हाइजन ने बोला कि सबकी अलग अलग वेव लेंथ होती है, साउंड्स लेजिट, यस इट साउंड्स गुड, सबकी अलग अलग वेव लेंथ होती है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ना, कि पार्टिकल सारे अलग अलग कलर के हैं तो कुछ जच सा नहीं रहा, तो हमें जब रेनबो में डालते हैं तो सॉरी वो प्रिज्म में डालते हैं तो अलग अलग कलर्स कैसे हो जाते हैं रेनबो में अलग, डजेंट साउंड गुड, कि पार्टिकल्स हैं अपने आप ही एक साथ कैसे चले गए, मतलब जो भी है पार्टिकल से अच्छा एक्सप्लेनेशन वॉज दिस, द वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है, वेव्स हैं तो अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ एंड हेंस ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है अलग अलग जो है अलग अलग कलर्स होता है, इस वजह से होता है वेवलेंथ की वजह से। उसके अलावा शेडो की बात की थी इन्होंने कि शेडो कैसे बनती है, क्योंकि लोगों ने बोला था कि भैया देखो अगर ये एक वेव है तो जैसे साउंड वेव होती है अगर आप ऐसे बंद कर दो तो साउंड वेव ऊपर नीचे चली जाती है, बट लाइट जो है नहीं जा पाती है, उसकी शेडो बन जाती है, साउंड के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है भाई, ऑब्वियसली मैं ऐसे कार्डबोर्ड रखूँ तो साउंड आएगी, यस आएगी, ऐसा थोड़ा ना होता है कि मैं कान के इतने दूर रखा है मैंने, देखो यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड रखूँगा और मेरे इस कान में आवाज़ ही नहीं जाएगी, होता है क्या, नहीं होता है, बट अगर मैं कार्डबोर्ड यहाँ पर रखूँ तो लाइट नहीं आएगी, उसकी शेडो बन जाएगी। इसके लिए एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था ठीक है कि जो साउंड वेव होती है शेडो इसलिए नहीं बनाती है क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे बढ़े हम, तो ये दोनों का एक्सप्लेनेशन था, चीज़ें लोगों ने माना किसको, लोगों ने माना मतलब ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, अब देखो बाकी सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है, शेडो भी एक्सप्लेन हो गई है, और न्यूटन ने तो शेडो के लिए क्या बोल दिया हो कि पार्टिकल है भैया, पार्टिकल यहाँ पर टकरा के रुक गया, यहाँ नहीं जा पाया तो शेडो बन गई, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो दोनों ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, एक ही चीज़ थी जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये चीज़ वेलोसिटी वाली चीज़ अलग अलग मीडियम्स के अंदर। बाद में जब वेलोसिटी का पता लगाया गया सो ये चीज़ सही प्रूफ हो गई, एंड लोगों ने न्यूटन की थ्योरी को गलत प्रूफ जो है कर दिया, गलत मान लिया, और फिर न्यूटन की थ्योरी की बात नहीं हुई, कब तक नहीं हुई, जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे, ये दोनों एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं हुए थे तब तक लोगों ने माना कि वेव नेचर ही होता है। अब देखो ऐसा नहीं कि बिना एक्सपेरिमेंटल जो है चीज़ें सारी बता दी थी, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल जाता हूँ, थ्योरी थ्योरी पे हम अपने बात कर ली, ऐसे हवा हवा में बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि वेव नेचर जो है वो कैसे, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी वजह से, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है ना, साइंस की चीज़ें हैं, साइंस में हमें प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ भी करते हैं चलो कि लाइट हैज़ ए वेव नेचर। बात है 1801 की, हुआ था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या है क्यों है, हमने आप सभी ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। दिक्कत ये थी, अब देखो यहाँ पर ऑप्टिक्स की चीज़ें आएंगी बहुत सारी, ठीक है, ऑप्टिक्स की चीज़ें क्या आएंगी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, ठीक है रिफ्रैक्शन, तो हाँ सॉरी डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी, सो दीज वर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स, थोड़े से ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब ऑप्टिक्स में हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं ना, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, सॉरी वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या है कि लाइट जो है वो एक वेव है और वो वेव जैसे जैसे फिनोमिना शो करती है हम उन चीज़ों को इस ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। क्या क्या आता है वहाँ पर हमारे पास, ये ठीक है स्कैटरिंग आती है एंड उसके अलावा डिफ्रैक्शन आता है, ठीक है। सो उसी के अंदर हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी होता है, तो इसमें क्या होता है, सोर्स है, सोर्स से लाइट आई एंड देन उसके बाद ये बन गया, ठीक है। कब का एक्सपेरिमेंट है, 1801 का एक्सपेरिमेंट है, एंड उसके बाद हाँ यहाँ पर क्या हुआ था कि इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को नहीं किया गया था, और वो करने की ज़रूरत भी क्यों है, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लाइट का वेव नेचर प्रूफ करना है, तो उस टाइम पर कोई पार्टिकल ऐसा शो नहीं करता भाई, ऐसा होता क्या, आप यहाँ से एक जैसे लाइट में क्या होता है, लाइट यहाँ से जाएगी ऐसे ऊपर जाएगी इधर जाएगी, यहाँ से फिर फैलेगी ऐसे, यहाँ से भी फैलेगी, यस। लेकिन क्या अगर कोई पार्टिकल आप फेंको इस तरह से, देखो यहाँ से स्कैटरिंग हुई, यहाँ से भी स्कैटरिंग हुई, यहाँ से भी स्कैटरिंग हुई ना,
अगर आप कोई पार्टिकल फेंको तो क्या पार्टिकल से जाएंगे? बिल्कुल नहीं, पार्टिकल जाएंगे भी तो कोई यहाँ से टकरा के नीचे गिर जाएंगे, कुछ तो यहीं पे गिर जाएंगे, एंड कुछ अगर ऊपर को चले भी गए तो क्या वो यहाँ पर सुपर पोजिशन शो करेंगे? सुपर पोजिशन, क्या वो सुपर पोजिशन शो करेंगे? जी नहीं, अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज इन 1801, ठीक है, वो पार्टिकल्स जो है सुपर पोजिशन शो नहीं करेंगे। यस यू आर राइट कि इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं, बट हम कब की बात कर रहे हैं देख लो आप, टाइम पीरियड, ठीक है, हम प्रूफ कर रहे हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। सो दिस एक्सपेरिमेंट वॉज एक्सप्लिसिटली और ओनली शोड बाय दी वेव्स, नॉट बाय दी पार्टिकल्स, हेंस वी कैन से दैट दी लाइट इज अ वेव नॉट अ पार्टिकल। भाई पार्टिकल होता तो इस एक्सपेरिमेंट को वो नहीं कर पाते हम, ठीक है, अगर ये एक पार्टिकल होता तो इस एक्सपेरिमेंट को हम नहीं कर पाते। और चीज़ें हमारे पास क्या आई, आपने ऑप्टिक्स अगर पढ़ी हो, आपने डिफ्रैक्शन पढ़े होंगे दो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, एक में आप इन्फिनिटी पे सोर्स मानते हो, एक को आप नज़दीक पे सोर्स मानते हो, ठीक है। सो फ्रेशनल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आपने दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये भी आपकी क्या प्रूफ करती हैं कि लाइट इज़ ए वेव, बिकॉज पार्टिकल्स डू नॉट शो डिफ्रैक्शन। ऑल राइट, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद 1801 की चीज़ होगी, 1850 में क्या हुआ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट वॉज मेजर्ड। स्पीड ऑफ लाइट मेजर होने से क्या हुआ, जो न्यूटन की थ्योरी थी वो गलत हो गई। न्यूटन ने बोला था स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम में, एक्चुअल में क्या था वो कम होती है, ठीक है। उसके अलावा बाद में जब स्पीड ऑफ लाइट, एक जो मेन चीज़ थी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ जो कि प्रूफ कर देगी कि लाइट इज़ अ वेव, वो क्या थी, वो थी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। उस चीज़ ने जो जिसने प्रूफ किया था कि लाइट इज़ अ वेव, एंड कैसी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसने प्रूफ किया था, मैक्सवेल ने। स्पीड निकाली थी लाइट की तो एक क्लोज आई थी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये आई थी लाइट की स्पीड, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनके भी स्पीड कितनी निकल कर आई, वो भी निकल कर आई 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। एंड आपको ये चीज़ अभी पता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक लाइट, ये आपको अभी पता है, बट उस टाइम पर ये चीज़ नहीं पता थी। मैक्सवेल ने जब वेलोसिटीज दोनों की देखी, सो यू कैन सी दैट दोनों वेलोसिटी इक्वल हैं, जहाँ से कंक्लूड हम कर सकते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव तो सारे बोल रहे थे ना ऊपर, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, कैसी वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो यहाँ से देखिए आप 1850 तक हम पहुँच गए थे, सो इस तरह से कुछ चीज़ें अभी 19th सेंचुरी में हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर लोगों ने न्यूटन की जो थ्योरी थी कॉर्पसल थ्योरी, अब आप समझ सकते हो कि क्यों 19th सेंचुरी में डोमिनेंट थी वेव थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें यही प्रूफ करी थी कि लाइट इज़ अ वेव। कहाँ से आई चीज़ें जिससे कि आज हम इस कंक्लूजन पे पहुँच पाए कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं, लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है? चलिए, उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट आए हमारे पास, पहला आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा आया कॉम्पटन इफेक्ट। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन दोनों की हम बात नहीं करेंगे, डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे इन दोनों के ऊपर। तो जो है बहुत ज़्यादा तारे वारे हो चुके टेबल के ऊपर। चलिए, सो दो एक्सपेरिमेंट थे हमारे पास, पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा था कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। क्या है मैं आपको बता दूँ, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल शीट के ऊपर लाइट डाली जाती है, वहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद एक हम सर्किट भी बनाते हैं, वहाँ पर इससे फोटो करंट फ्लो होता है, पूरा डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकला, भाई कोई पार्टिकल यहाँ से गया होगा, पार्टिकल इसमें टकराया होगा, पार्टिकल ने अपनी एनर्जी दी होगी, तभी तो ये बाहर निकला, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूफ दैट लाइट इज़ अ पार्टिकल और लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, ठीक है। डिटेल में क्या है सब कुछ हम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया थ्योरी है इसकी। इसके लिए दो थ्योरीज हम पढ़ेंगे, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, दोनों थ्योरीज हम पढ़ेंगे। कौन सी थ्योरी सही है कौन सी गलत है आपको पता चल जाएगा। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आपने नाम सुना हो, ये भी इसी के अंदर आता है, हम एक अलग से लेक्चर इसके लिए देंगे ताकि, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वरना। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आपने नाम सुना होगा, इसी थ्योरी के अंदर है, ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी थ्योरी है।
उसके अलावा दूसरी थ्योरी क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट बोलता है कि जब भी कोई लाइट पड़ती है किसी रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन पे, या तो वो इलेक्ट्रॉन एक साइड को चला जाता है और फोटोन भी एक साइड को चला जाता है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। ठीक है, मतलब एक फोटोन आया, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज एन इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बताऊँ, दिस वॉज एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक फोटोन आया, लाइट आई, मतलब ठीक है। फोटोन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये प्रूफ हो गया ना कि वो फोटोन है, बट वैसे बोल रहे हैं तो यहाँ से हमने लाइट डाली है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हमने लाइट डाली, तो क्या हुआ कि लाइट इस इलेक्ट्रॉन से टकराई और फिर एक अलग साइड को डेविएट हो गई एंड इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड को चला गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, इसमें कोई पार्टिकल होना चाहिए ना उसके लिए, वेव थोड़ा ना कर देगी ऐसे, वेव इसको पुश करे और एक साइड को चला जाए, फिर वेव दूसरे साइड को जाए, वेव पुश कर तो इधर को जाना चाहिए था भाई, सही बात है, बट पार्टिकल है ना, पार्टिकल है, पार्टिकल पार्टिकल से टकराएगा तभी तो ऐसे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, यस और नो, ठीक है। सो कॉम्पटन स्कैटरिंग इसको हम बोलते हैं, तभी तो ये पार्टिकल स्कैटर होंगे, कॉम्पटन स्कैटरिंग, यस, ठीक है। सो एक फोटोन आएगा, फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन एक अलग एंगल पे जाएगा, फोटोन अलग एंगल पे जाएगा। सो ये कंप्लीट थ्योरी हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे अलग लेक्चर में। ठीक है, दीज टू एक्सपेरिमेंट शोड दैट लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट हैज़ अ मास, दैट हैज़ अ मोमेंटम। ऑलराइट, सो लाइट के पास मोमेंटम होता है, लाइट के पास मास होता है या नहीं होता है, यस होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि लाइट जो होती है वो एक पार्टिकल होती है, एंड एवरी पार्टिकल हैज़ सम मास एंड एवरी पार्टिकल हैज़ सम मोमेंटम, क्योंकि मास है तो मोमेंटम भी होगा। ओके, दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई थी, पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर, सो पार्टिकल्स के पास क्या होता है, मास होता है, वेव्स के पास मास नहीं होता है, वेव्स के पास होती है वेवलेंथ। बात समझ आ रही, वेव्स के पास वेवलेंथ होती है, तो अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करे तो उसके पास भी एक वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है। एंड वेव्स के पास मास नहीं होता है, लेकिन अगर वेव्स मास शो करें, वेव्स पार्टिकल नेचर शो करें, सो दे मस्ट पजेस अ मास एंड दे मस्ट पजेस अ मोमेंटम एज वेल, ठीक है। यानी अगर कोई वेव है, वेव पार्टिकल नेचर शो कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि वेव के पास जो है वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, मास वगैरह नहीं होता है। क्या साउंड का आप मास निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं, बट क्या आप लाइट जो पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, उनका मास निकाल सकते हो, यस। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्सक्लूसिवली दे आर नॉट वेव्स, दे ऑल्सो पजेस द पार्टिकल नेचर, दैट इज वाई दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। एंड वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, मास, मोमेंटम, कनेटिक एनर्जी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल ना। सो इफ अ वेव शोज द पार्टिकल नेचर, देन इट मस्ट पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल एज वेल, लाइक द मास एंड मोमेंटम। सो लाइट हैज़ अ मास, लाइट हैज़ अ मोमेंटम, एंड पार्टिकल्स हैव अ वेवलेंथ, पार्टिकल्स हैव अ फ्रिक्वेंसी। सो रिमेंबर दीज टू टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ नहीं आई थोड़ा सा वीडियो पीछे करो 10 सेकेंड, वापस से सुनो, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली, इसको नोट करके रख लेना भाई, ठीक है। सो ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे जो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ होती है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस पूरे से कंक्लूजन क्या निकला कि भाई लाइट है या ये क्या है, मतलब सॉरी, लाइट वेव है क्या, पार्टिकल है क्या है, समझ नहीं आया भाई। आप कभी बोल लो कि हाइजन ने बोला कि वेव है, हमने वेव मान लिया, कभी न्यूटन ने बोला, फिर आइंस्टाइन ने बोला कि पार्टिकल, हमने पार्टिकल मान लिया, भाई सच में है क्या है। तो ये है आपका, दोनों है, ठीक है, वेव इज अ पार्टिकल एंड सॉरी लाइट इज अ वेव एंड लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल। आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव भी है और इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल भी है, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल भी, एक वेव भी है। कैसे, जब जिस नेचर की हमें ज़रूरत होती है वो नेचर हमें दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि नो वन इज़ परफेक्ट, हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, ठीक है, कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई, बंद हो गया, कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, जो हम देखना चाहें वो हमें दिखेगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है कैसा आपका नज़रिया है। सेम गोज फॉर दिस लाइट एज वेल, लाइट के पास दोनों चीज़ें, पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी, आप जो देखना चाहोगे वो आपको दिखेगा। आप उसकी वेवलेंथ निकालना चाहोगे निकल जाएगी, आप उसका मोमेंटम निकालना चाहोगे निकल जाएगी। वेवलेंथ शोज इट्स वेव नेचर एंड मोमेंटम शोज इट्स पार्टिकल नेचर, आप जो देखना चाहो वो आपको दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा,
ये मैंने थोड़ा सा जो है ओरिजिन के बारे में बात की एंड किस तरह से क्रोनोलॉजी हमारी आगे को चली। एक एस्पेक्ट के ऊपर हमने बात की, ये दो चीज़ें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, क्या कॉम्पटन स्कैटरिंग, इन्हें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सो एंड उसके अलावा आई होप आपको समझ आया कि कैसे एक लाइट जो है वो वेव भी है, एक पार्टिकल भी है। सो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। कोर्स में इस तरह से हम और भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर, सो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रो था, एंड इसलिए हमारा इसमें बहुत ज़्यादा ना कुछ डेरिवेशंस थे ना कुछ हमारा मैथमेटिकल पोर्शन था, बस हमने समझा कि क्या है क्वांटम मैकेनिक्स और क्या इसमें हमने पढ़ना होता है। सो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, कॉमेंट करके बताओ लेक्चर कैसा लगा आपको और उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी बताना। पहले तो मैं ये क्वांटम मैकेनिक्स ख़त्म कर लूँ, ठीक है। उसके अलावा पढ़ाई के बारे में कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आप बात करना चाह रहे हो वो जरूर से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्त होंगे आपके बहुत सारे जो कि पढ़ रहे होंगे अंडर ग्रेजुएशन में और उनकी क्लासेस नहीं चल रही होंगी, उसके अलावा आईटी जेम की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि आगे कोर्स कंटिन्यू होगा, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर होगी एंड क्वांटम मैकेनिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आई डोंट थिंक कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम। कोई भी आप अगर आप अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दें, क्वांटम मैकेनिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ना। सो इस वीडियो को शेयर कर दो, पूरी मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर आप सारे लेक्चर देख सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आने वाली वीडियोज़ जो होंगी कैसे मिलेंगी, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दो, आगे घंटा होगा, बेल आइकन होगा, उस पर भी दबा दो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि लेक्चर्स आगे बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, आपको कोई होश ही नहीं है कि यार क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ना था हमने। सो इसलिए बेल आइकन पे दबा के रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मेरी कोई क्लास हो, ठीक है। हो सकता है मैं आगे लाइव भी करूँ, बट अभी के लिए हम रिकॉर्डेड ही डालेंगे, ठीक है। सो दिस दिस इज़ फॉर दिस टुडेज लेक्चर एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कॉमेंट, जो जो है सब कुछ कर दो इसको। चलिए, सी या, बाय बाय, हैव अ गुड डे।